नमस्कार, कॉटन कॉम्प्लेक्स मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार 6 अगस्त। कल के सेशन की बात करें तो बड़ी तेजी के बाद कल हमने एक प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बनते हुए देखा। हमने देखा कॉटन के प्राइसेस के अंदर 0.5% की गिरावट आती हुई दिखाई दी, कपास के अंदर 0.5% की गिरावट आती हुई दी, कॉटन सीड ऑयल के अंदर भी हमने करीबन 2% की गिरावट आती हुई देखी। बड़ी तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग बनता है। आज शुक्रवार है, थोड़ा बहुत प्रेशर आज भी मार्केट में बनता हुआ दिखाई दे सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में नो डाउट कॉटन के प्राइसेस काफी स्टेबल थे 90 सेंट के ऊपर। वहीं चाइना में भी हमने देखा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में बनता हुआ दिखाई दिया। फंडामेंटल साइड कोई मेजर चेंजेस नहीं है। इनफैक्ट महाराष्ट्र के विदर्भ साइड में हमने देखा कि पिंक बॉल बॉम्ब के अटैक की वजह से प्राइजेस में आने वाले दिनों में एक अच्छी तेजी बन सकती है, क्योंकि स्विंग के एरिया में कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, यील्ड में भी इम्पैक्ट पड़ेगा। वहीं अगर हम एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के जो एस्टिमेट्स आ रहे हैं, जहां पे कॉटन एकरेज करीबन 110.73 लाख हेक्टर के आसपास बताया, जो पिछले साल के मुकाबले 8.5% की कमी है, जो कहीं ना कहीं आगे जाकर कॉटन को तेज रखेगा। जैसे कि महाराष्ट्र में हमने देखा कि पिंक बॉलवर्म का जो अटैक है इसकी वजह से भी यील्ड में ड्रॉप आता है, तो लॉन्ग टर्म कॉटन में अच्छी तेजी रहेगी। बट शॉर्ट टर्म में जो हमने बड़ी तेजी देखी उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग भी बनता है और आज शुक्रवार भी है, जिसके चलते ये प्रेशर बना हुआ रह सकता है। टेक्निकली भी अगर हम देखें तो प्राइजेस में अपसाइड थोड़ा सा एक कैप दिखा रहा है। लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म अभी भी तेजी है, क्योंकि सप्लाई जो आनी है वो आप समझ के चलिए कि सितंबर एंड या अक्टूबर से स्टार्ट होगा। चार्टिकली भी अगर हम देखें तो कॉटन अगस्त फ्राइडे के अंदर हमने 27,850 का लेवल छूने के बाद प्राइजेस के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं प्राइजेस के अंदर आज दबाव रखेगा और 26,400 से 26,500 तक का लेवल दिखा सकता है। टेक्निकली भी अगर RSI देखे तो 48 के नीचे जा चुकी है। वॉलेटिलिटी धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। MACD भी नेगेटिव में दिखा रही है और वॉटेक्स भी नेगेटिव में दिखा रहा है, जिसके चलते आज कॉटन में बिकवाली करके चलिए 27,000 के नीचे काउंटर वीक रहेगा, जो इंट्राडे में 26,500-550 तक का लेवल दिखा सकता है। वही कॉटन सीड ऑयल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी हमने देखा है कि प्राइजेस अपसाइड जो दिखाया है करीबन 3150 के आसपास का, वहां से प्राइजेस सस्टेन नहीं कर पा रहे। कल भी हमने कहा कि 3120 का काफी क्रूशियल लेवल है, अगर प्राइजेस उसको तोड़ता है तो हम तेजी देखेंगे, नहीं तो मार्केट 3000 तक का एक बेस बना सकता है जहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। जो कि आज शुक्रवार है, मार्केट में थोड़ा प्रेशर भी दिखाई दे रहा है, तो दिन के सेशन में मार्केट में गिरावट रह सकती है, जो 3000 के टारगेट के लिए बेच सकते हैं। तो आज के लिए कॉटन सीड ऑयल किक के अंदर 3070-80 के करीब बेचिए, 3120 का स्टॉप लॉस रखिए, 3000 से 3020 का सपोर्ट मिल सकता है। वहीं अगर हम आइस कॉटन की भी बात करें तो प्राइजेस वैसे 50 और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, चैनल के इंटैक्ट है, बट एज ऑफ नाउ 91 सेंट का लेवल तोड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि प्राइजेस अगस्त मंथ स्टार्ट होते ही 91 का लेवल छुआ और वहां से मार्केट के अंदर गिरावट आई थी। तो ओवरऑल हमें लगता है कि आज शुक्रवार के चलते मार्केट में गिरावट भरा दिन रह सकता है। बड़ी तेजी से बचे, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में लेके चलिए। आज के लिए कॉटन बिकवाली करके चलिए 27,000 के नीचे, जो 26,500 तक का लेवल दिखा सकता है। कॉटन सीड ऑयल के बिकवाली करके चलिए 3,000 के टारगेट के लिए, कपास में भी बिकवाली करके चलिए 1430 के टारगेट के लिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी कमोडिटी करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।